हेलो एवरीवन, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सबसे ताकतवर कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है योरुइची सुकीकुनी। योरुइची वो इंसान था जिसने ब्रीदिंग स्टाइल्स को बनाया था और सबसे पहला इंसान जिसने उसका इस्तेमाल किया था। योरुइची सेंगोकू एरा में सुकीकुनी क्लैन में पैदा हुआ था और योरुइची का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम मिचिकात्सू था। मगर सुकीकुनी क्लैन में जुड़वा बच्चों का पैदा होना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था और योरुइची अपने माथे पे एक निशान के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से योरुइची के पिता उसको मार डालना चाहते थे। खुशकिस्मती से उन्हें वहीं रोक दिया गया। मगर यहाँ से शुरुआत होती है योरुइची के साथ ज़्यादती। उसको अपने भाई मिचिकात्सू से बहुत अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। मिचिकात्सू को योरुइची से बहुत बेहतर खाना और शिक्षा मिलती थी। जल्द ही ये भी तय कर लिया गया था कि जब योरुइची 10 साल का हो जाएगा तो उसे साधु बनने के लिए एक मंदिर भेज दिया जाएगा। योरुइची ज्यादा बात नहीं करता था और ना वो कभी मुस्कुराया था, तो लोगों को लगा जैसे वो बहरा और गूंगा है। और जिस माथे के निशान को लोग श्राप माना करते थे, वो उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उसकी मदद से योरुइची लोगों के अंदर देख सकता था। योरुइची लोगों के अंदर के ऑर्गन्स को बिना किसी मुश्किल के देख सकता था। क्योंकि योरुइची बोलता नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए हाना फूडा इयररिंग्स बनाई। उन्होंने एक लकी चार्म की तरह बनाया था ताकि एक दिन योरुइची बोल सके। और अगर आपको हाना फूडा इयररिंग्स के बारे में नहीं पता, तो वही इयररिंग्स है जो टांजिरो आज पहनता है। योरुइची का भाई यानी मिचिकात्सू उसकी तरफ इस नफरत को समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत पसंद करता था। वो अपने पिता की नज़रों से छुपके अक्सर उससे मिलने जाया करता था और उसने अपने भाई को एक तोहफा भी दिया था, जो कि एक लकड़ी की बांसुरी थी। जब योरुइची 7 साल का हुआ तो वो पहली बार मुस्कुराया और उसने अपने पहले शब्द बोले। उसने ये कहा कि वो आगे चल के एक सामुराई बनना चाहता है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। ये सुन के मिचिकात्सू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि जब योरुइची 10 साल का हो जाएगा तो उसे मंदिर भेज दिया जाएगा। एक दिन योरुइची अपने भाई को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और उसने इंटरेस्ट दिखाया। तो जो इंसान मिचिकात्सू को तलवार चलाना सिखा रहा था, उसने योरुइची को एक तलवार थमाई और योरुइची को यह तरीका बताया कि कैसे तलवार पकड़ी जाती है। मगर बस इतने से ही योरुइची आगे कूदता है और अपने सेंसे पर हमला करता है। योरुइची ने अपने सेंसे पर काफी सारे हमले किए और जल्द ही योरुइची का सेंसे धाराशाही हो गया। ये देख के मिचिकात्सू को झटका लगा, क्योंकि वो आज तक अपने सेंसे को छू तक नहीं पाया था। मगर उसके बाद योरुइची ये चीज जान चुका था कि उसको लोगों को मारना पसंद नहीं था, तो उसने एक सामुराई बनने के सपने को पीछे छोड़ दिया। जब मिचिकात्सू इस बारे में पूछा करता था कि कैसे उसने अपने सेंसे को हराया, तो योरुइची ऐसी चीजें बताता है जो सिर्फ वही कर सकता था, क्योंकि वो अपने अपोनेंट के मसल्स को देख के हमला करता था, जो कि और कोई नहीं देख सकता था। वो अपने अपोनेंट के हड्डियों के ढांचे को देख के बता सकता था कि आगे उसका अपोनेंट क्या करने वाला है। योरुइची ये चीज कहता है कि वो तलवार चलाने से अच्छा अपने भाई के साथ पतंग उड़ाना ज्यादा पसंद करेगा। योरुइची अपनी माँ के साथ रहना बहुत पसंद करता था। वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। वो हमेशा अपनी माँ को पकड़ के चलता था, जहाँ उसकी माँ जाती थी वो वहीं जाता था। वो चीज मिचिकात्सू को काफी बचकानी लगती थी। पर एक दिन योरुइची की माँ चल बसती है। जिस दिन ऐसा होता है, उसी रात योरुइची अपने भाई के कमरे में आता है। वो अपने भाई को ये दुखद खबर देता है और ये कहता है कि वो मंदिर के लिए निकल रहा है। वो मिचिकात्सू की दी हुई बांसुरी को अपने पास रखता है और वहां से चला जाता है। बाद में उनकी माँ की डायरी से ये पता चलता है कि योरुइची अपनी माँ की बीमारी के बारे में पहले से ही जानता था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए उनके साथ रहा करता था। और मिचिकात्सू को ये भी पता चलता है कि उनके पिता ने ये डिसाइड किया था कि अब वो मिचिकात्सू को मंदिर में भेजना चाहेंगे और योरुइची को सिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि योरुइची तलवार का कितना सही से इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले उसके पिता कुछ कर पाते, योरुइची पहले ही वहाँ से चला जाता है। ये चीज़ जब मिचिकात्सू को पता चलती है, तो उससे अपना गुस्सा काबू नहीं होता। उसके मन में अपने भाई के लिए जो प्यार था, वो गुस्से और जलन में तब्दील हो चुका था। उसके बाद योरुइची एक पूरे दिन और एक पूरी रात को लगातार भागता है बिना थके। और इसी तरह वो एक लड़की से मिलता है जो उसी की उम्र की होती है। उस लड़की का नाम उता होता है। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और 10 साल साथ रहने के बाद वो शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद योरुइची को ये खबर मिलती है कि उता प्रेग्नेंट है, तो अपने घर के बाहर एक दाई की खोज में निकलता है। तो अगर आप नहीं जानते, तो दाई वो औरत होती है जो पुराने समय में औरतों की डिलीवरी में मदद कराती थी। तो अगर आप नहीं जानते थे, तो आप जान चुके हो। और योरुइची अपनी खोज में एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो उस बूढ़े आदमी की मदद करता है और उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो वो दाई की खोज में अगले दिन निकलने के बारे में सोचता है और घर वापस लौट जाता है। मगर घर पहुंचने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसपे उसे यकीन नहीं होता। उता की लाश खून में लथपथ हुई जमीन पर पड़ी होती है। योरुइची से उसकी पत्नी और उसका होने वाला बच्चा छिन चुका होता है। वो अंदर से टूट जाता है और वो अपनी बीवी की लाश को 10 दिन तक अपने हाथों में पकड़ के बैठा रहता है। और कुछ दिनों बाद वहां पे एक डीमन स्लेयर आता है, जो उसे बताता है कि उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार एक डीमन है। हाँ, आपने सही सुना, योरुइची पहला ब्रीदिंग स्टाइल यूजर था, लेकिन वो पहला डीमन स्लेयर नहीं था। और उसके बाद योरुइची एक डीमन स्लेयर बन जाता है। तलवार चलाने में योरुइची से बेहतर कोई नहीं था और उसके पास जो डीमन स्लेयर मार्क था, उसकी वजह से वो बहुत खतरनाक डीमन स्लेयर था।
अगले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि मिचिकात्सु एक डीमन के हाथों मरने वाला होता है, मगर योरीचि सही समय पर पहुंच के अपने भाई की जान बचा लेता है। वो उस डीमन को मारता है और अपने भाई से माफी मांगता है कि वो जल्दी नहीं पहुंच पाया और उसके साथियों को नहीं बचा पाया। उसके बाद योरीचि एक ब्रीदिंग स्टाइल बनाता है जिसका नाम होता है सन ब्रीदिंग, जो सबसे पहली ब्रीदिंग स्टाइल होती है। वो कोशिश करता है दूसरे डीमन स्लेयर्स को भी वो सिखाने की, लेकिन कोई और वो कर नहीं पाता, तो इस वजह से वो 5 तरह की ब्रीदिंग स्टाइल बनाता है। योरीचि फायर, वाटर, अर्थ, विंड और थंडर ब्रीदिंग बनाता है ताकि बाकी डीमन स्लेयर्स को भी डीमंस के खिलाफ एक अच्छा एडवांटेज मिल सके। और सबसे शक्तिशाली डीमन स्लेयर्स को हाशिरा कहा गया। योरीचि के भाई मिचिकात्सु ने भी उसकी टेक्निक को सीखने की कोशिश की, मगर वो सीख ना पाया, तो मिचिकात्सु ने अपने तरह की ब्रीदिंग स्टाइल बनाई जिसका उसने नाम दिया मून ब्रीदिंग। एक दिन योरीचि सामने आता है मुजान की बूथ सुची के, वो इंसान जिसने हर एक डीमन को बनाया। उसने मुजान की तरफ सिर्फ एक बार देखा और उसको देख के पता चल गया था कि उसके पैदा होने का लक्ष्य सिर्फ इस राक्षस को मारना था। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। मुजान योरीचि पे हमले करता है लेकिन वो उनसे बचता रहता है। योरीचि हर हमले से बच रहा होता है लेकिन वो जानते अगर गलती से एक भी हमला उसे लगे तो वो वहीं मर सकता है, और इस वजह से वो पहली बार डर को महसूस करता है। तभी वो अपनी सन ब्रीदिंग की हर फॉर्म को एक साथ इस्तेमाल करता है और मुजान को वहीं हरा देता है। मुजान को यकीन नहीं होता क्योंकि वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता, और वो अपने गले को पकड़ के बैठा होता है कहीं उसका गला गिर न जाए। उस समय मुजान के साथ एक औरत खड़ी थी जो कि एक डीमन थी। योरीचि मुजान से पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी के मायने क्या है। तभी वो उस औरत की तरफ देखता है जिसकी आंखों में डर नहीं होता बल्कि उम्मीद होती है, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि लेडी टामोयो थी। योरीचि जब मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे दांतों के घिसने की आवाज आती है। मुजान फट जाता है और खुद को कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। योरीचि चौंका हुआ होता है इसलिए वो 1500 हिस्सों को ही काट पाता है, और 1800 टोटल होते हैं तो 300 बच जाते हैं। इस वजह से मुजान फिर से रीजनरेट कर पाता है। टामायो वही अपने घुटनों पर गिर के रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मुजान फिर से एक बार बच के निकल चुका था। वो उस समय मुजान का नाम लेती है लेकिन वो मरती नहीं है, क्योंकि उस समय मुजान बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो उसका कर्ज काम नहीं करता। उसके बाद तामायो योरीचि को हर एक चीज़ बताती है मुजान के बारे में, और ये भी बताती है कि वो अब मुजान उसके सामने कभी नहीं आने वाला। मगर जब योरीचि वापस जाता है तो उसे सुनने में आता है कि उसका भाई अब एक डीमन बन चुका है। उसका भाई एक धोखेबाज निकला था, और वो धोखेबाज मिचिकात्सु नहीं बल्कि कोकुशिगो के नाम से जाना जाता था। भाई की धोखेबाजी और तामायो को जिंदा छोड़ने की जिम्मेदारी योरीचि के सर आ जाती है। कई सारे डीमन स्लेयर्स योरीचि को मौत की सजा देना चाहते थे मगर नए ओयाकारा ऐसा होने नहीं। वो योरीचि को बस निकाल देते हैं। निकाले जाने के बाद योरीचि ये सोचता है कि उसको बात करने के लिए कोई चाहिए। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है तभी उसे अपने दोस्त सुमियोशी की याद आती है, और सुमियोशी का पूरा नाम है सुमियोशी कावड़ो, तो आप शायद जान गए होंगे ये कौन है। वो सुमियोशी के घर जाता है और उसको अपनी पूरी कहानी बताता है शुरुआत से लेकर डीमन स्लेयर से निकाले जाने तक। वो सुमियोशी को ये बताता है कि उसको मुजान को मारने का एक ही मौका मिला और वो नाकामयाब रहा। योरीचि के मन में दुख और दर्द होता है। तभी योरीचि के पास सुमियोशी की छोटी बेटी आती है। योरीचि सुमीर को अपने हाथ में उठाता है और वहाँ पे सुमीर हंसने लगती है, जिसे देख के योरीचि की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सुमीर को अपने गले से लगा लेता है। तो योरीचि का मन खुश करने के लिए सुमियोशी की पत्नी उसके लिए खाना बनाती है और उसे रहने के लिए कहती है। सुमियोशी योरीचि के सामने एक मांग रखता है। सुमियोशी योरीचि को सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हुए देखना चाहता था, और योरीचि उसका इस्तेमाल करता भी है, और उसे देखने में उसे इतना अच्छा लगता है जैसे योरीचि किसी को मारने की टेक्निक नहीं बल्कि डांस कर रहा हो। एक ऐसा डांस जिसे देख के सुमियोशी की आत्मा तक खुश हो गई। सुमियोशी उन टेक्निक्स को देखता है और उन्हें याद रखता है। सुमियोशी के घर पे आखिरी दिन पे योरीचि जब जा रहा होता है तो वो अपने हानाफुदा इयररिंग्स उसे दे देता है। सुमियोशी ये जान चुका था कि योरीचि से वो आज के बाद कभी नहीं मिल पाएगा, तो वो रोने लगता है। वो योरीचि का नाम चिल्लाता है और उससे ये वादा करता है कि वो कभी भी सन ब्रीदिंग को इस दुनिया से गायब नहीं होने देगा, जिसे सुनकर योरीचि मुड़कर शुक्रिया अदा करता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन योरीचि अपने भाई के आमने सामने आता है, और अब योरीचि के सामने मिचिकात्सु नहीं कोकुशिबो होता है। कोकुशिबो मुजान का सबसे शक्तिशाली प्यादा था, और कोकुशिबो के सामने एक बूढ़ा आदमी था जो ढंग से देख भी नहीं सकता था। मगर कोकुशिबो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर मार्क के बावजूद योरीचि अब तक जिंदा था। अपने भाई की ऐसी हालत देख के योरीचि की आंख में आंसू आ जाते हैं, और योरीचि एक आखिरी बार लड़ने के लिए तैयार होता है, और इससे पहले कोकुशिबो अपनी तलवार तक निकाल पाता योरीचि अपना हमला कर देता है। वो अपने तलवार के एक ही हमले में कोकुशिबो का गला लगभग काट ही देता है। इसके बाद कोकुशिबो अगले हमले से बचने के लिए तैयार होता है लेकिन कोई हमला ही नहीं आता। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ये देखने को मिलता है कि योरीचि मर चुका है। योरीचि डीमन स्लेयर होने के बावजूद कभी हारा नहीं होता, उसको कोई छू नहीं पाया था,
और मुजान के सबसे शक्तिशाली प्यादे के सामने होने के बावजूद भी वो बुढ़ापे की वजह से मरता है। गुस्से में कोकुशी वो अपने भाई की लाश पे हमला करता है और तभी उसे देखने को मिलता है कि उसका भाई उस बांसुरी को उस दिन भी लेके घूम रहा था। ये देख के कोकुशिबो के मन में ये बात आ रही होती है कि वो अपने भाई से कितनी नफरत करता है, मगर उसकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे होते। तो हाँ, ये थी आज की वीडियो। आप जान चुके हो कि डीमन स्लेयर में सबसे ताकतवर कैरेक्टर कौन है और उसकी कहानी की शुरुआत से लेके अंत तक। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।